चित्रा सिंह। आज हमारे साथ मौजूद है प्रतापगढ़ से प्रधान संघ के अध्यक्ष पिंटू सिंह। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। नमस्कार जी आप पिंटू जी, सबसे पहले आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं के न्यूज की तरफ से। पिंटू जी, प्रतापगढ़ में COVID-19 की क्या स्थिति बनी हुई है? प्रतापगढ़ में COVID-19 की स्थिति वर्तमान समय में जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से दिन प्रतिदिन संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से संक्रमित क्षेत्रों की संख्या, संक्रमित व्यक्तियों की संख्या और खास करके संक्रमित ग्रामीण जन अब निकलना शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से मतलब पहले अप्रवासी के जो संक्रमित हुआ करते थे निकलते थे, अब आम आदमी में संक्रमण पाया जाने लगा है। जी बिल्कुल नवीन जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि COVID-19 का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, COVID-19 के जो पेशेंट है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत की भूमिका कैसे देखते हैं आप? अब ग्राम पंचायतों की भूमिका तो पूर्व से ही उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धारित कर रखे, निगरानी समितियों को बना करके प्रधान को उसका अध्यक्ष बनाया गया और पंचायत स्तर पर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं उनको सबको पंचायत निगरानी समिति का सदस्य बनाया गया है और सबका एक कोऑर्डिनेशन बना करके पंचायत स्तर को सारी चीजें दी गई। मगर एक मूलभूत चीजें जो है उसको, जिसे अभी तक तो पंचायतों के पास फंड की कमी थी, अब जब फंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से रिलीज हुआ है पंचायतों को, तो इस समय सबसे ज्यादा फोकस और सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात थी हमको COVID-19 के लिए, क्योंकि यह बरसात का समय है, तमाम तरीके के संक्रामक बीमारियों का जनित होने का समय है, संचारी रोग फैलने का समय है। इस समय हमको सरकार की तरफ से एकमात्र निर्देश होना चाहिए था COVID-19 और अन्य तमाम रोकथाम के लिए, बचाव के लिए, परंतु उत्तर प्रदेश सरकार या कह लीजिए पंचायत विभाग को हम पंचायतों को यह निर्देश जारी कर दिया या पाए हुए धन को सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवनों में खर्च करिए। पहले हमको विद्यालय में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से उन पैसों को खर्च करना था, अब हमको कहा जा रहा है कि आप पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय में खर्च करिए। यहाँ आदमी मरने के कगार पे है, जीवन संघर्ष चल रहा है, क्षेत्र में इतने बड़े बड़े कह लीजिए कि रोग व्यापक तौर पर फैलने की आशंका फैली हुई, उसकी रोकथाम के लिए उसके तमाम संसाधन को जुटाने के लिए पंचायतों को न निर्देशित करके पंचायतों को डाइवर्ट किया जा रहा है, तो निगरानी समिति बनाने का काम क्या हुआ? इस निगरानी समिति का उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से निगरानी समिति बनाई गई? उसको जब फंड नहीं मिलेगा, उसको अधिकार नहीं मिलेंगे, उसको काम करने की छूट नहीं मिलेगी, तो निगरानी समितियां करेंगी क्या? लेकिन नवीन जी, जिस तरीके से COVID-19 लगातार बढ़ता जा रहा है और पूरे भारत भर में संख्या है जो वो 8 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है, क्या इस बीच ग्राम पंचायत चुनाव होना जरूरी है, क्या कहेंगे आप? अब भारतवर्ष में इसमें हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि हमारा 0 से 1 लाख का आंकड़ा जो था वो पहला 1 लाख का आंकड़ा 110 दिन में हमको 1 लाख की संख्या प्राप्त हुई थी। आज जो हमारा 8 लाख आंकड़ा है, अब प्रति लाख जो समय सीमा दर्ज हो रही है वो 3 से 4 के बीच में 1 लाख के आंकड़ा को हम पार कर रहे हैं। हम 28 गुना संक्रमण हमारा पूरे हिंदुस्तान के एवरेज को निकाल लीजिए, 28 गुना संक्रमण हमारा अप्रैल माह से लेकर के इस जुलाई माह के बीच में बढ़ा है, संक्रमण का दर बढ़ा है। अब इस दर में जबकि ग्रामीण अंचल में भीड़ ज्यादा होती है और इस दौरान अगर सरकार ने पंचायत चुनाव कराने की सोची भी तो बहुत बड़ा विस्फोट होगा। उसका मूल कारण यह है कि पंचायत चुनाव बहुत ही संवेदनशील चुनाव होता है और आम जन से जुड़ा हुआ चुनाव होता है, तो ऐसी स्थिति में पंचायत चुनाव कराने के लिए यदि इन्होंने कोई आदेश निर्देश पारित किया तो किसी को भी नहीं रोक पाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के लिए, सामाजिक दूरी नहीं बन पाएगी और एक ऐसा विभत्स दृश्य खड़ा होगा जिसको संभालने के लिए फिर यह पूरा तंत्र फेल हो जाएगा। तो मेरा तो राज्य सरकार से यह गुजारिश है कि या तो वो सरकारी राज्य सरकार शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायतों को एक्सटेंशन दे या तो प्रशासक नियुक्त करे,
परंतु पंचायत चुनाव के किसी भी परिस्थिति में निकट एक वर्ष आपको कोई भी चुनाव पूरे हिंदुस्तान में कराने की स्थिति नहीं है, जो आम जनता से जुड़े हो, जिसमें पब्लिक को पार्टिसिपेट करना है, वह किसी तरीके का चुनाव नहीं कराया जा सकते। और अब तो राज्य सरकार के ऊपर अगर कराना चाहे तो ऊपर ही। यानी आपका ये कहना है कि इस जो दौर चल रहा है कोविड 19 का, इसमें चुनाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर चुनाव होते भी हैं तो कोई भी जो जनता होगी वो नहीं रुकेगी, या जो लोग खड़े होंगे इलेक्शन में वो लोग नहीं रुकेंगे, और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी होगा, जिस वजह से शायद ये वायरस फिर से ज्यादा फैल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल होगा मैम, उसका कारण यह है कि किसी भी पंचायत में न्यूनतम 6 से 7 कैंडिडेट होंगे, सबके अपने अपने जत्थे होंगे, सबके अपने अपने समूह होंगे, सारे समूह टहलेंगे, इधर से उधर कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने का खतरा है, कम्युनिटी स्प्रिट होने का खतरा है, सारे लोग इकट्ठे खाएंगे पियेंगे, चूंकि ग्रामीण जन क्षेत्रों में ऐसा होता है, साबोज होंगे तो कहाँ कहाँ रोकेगा। एक स्थानीय थाना जहां पर मतलब जो है 20-25 पुलिसकर्मी रहते हैं, वह पूरे 100 से 150 पंचायत क्षेत्रों में कहां कहां प्रशासनिक व्यवस्थाएं दे पाएगा। और ऐसी स्थिति में जबकि पंचायतें निगरानी समिति के माध्यम से कोविड 19 में अद्वितीय सहयोग दे रही है राज्य सरकार को, उनके पास ग्राउंड लेवल पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा कोई नहीं है जो उनको। बिल्कुल नवीन जी, आपने सही कहा, जिस तरीके से जो करके पंचायत चुनाव कराने की सोची थी तो वहां के लिए आत्मघाती कदम होगा, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए आत्मघाती कदम होगा, भारत सरकार के लिए आत्मघाती कदम होगा, प्रशासक नियुक्त करके भी ये किसी तरीके से पंचायत चुनाव तो कराना इनकी अलग की बात है, मगर कोविड 19 की महामारी को ये निमंत्रण देंगे, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो पूरी कर सकते हैं, मगर भारतीय जनता की मौत पर ये अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी कर पाएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा नवीन जी, कि जिस तरीके से जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है एक चिंता का विषय है, और इस बीच चुनाव होना शायद किसी खतरनाक से कम नहीं होगा। तो हमारे पास फिर से हाजिर होंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान एवं चुनौतियों को अवसर में बदलने के उनके संदेश से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों, कामगारों को उनके घर एवं आसपास ही रोजगार देने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मनरेगा में प्रतिदिन श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। मानव दिवस सृजन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। एमएसएमई सेक्टर में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। एमएसएमई सेक्टर में ग्रोथ और रोजगार की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। वृहद एवं एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों में 7,80,000 से अधिक यूनिट्स क्रियाशील हो गई हैं। कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में नई उत्पादन इकाइयों की भी शुरुआत हुई, जिनके माध्यम से पीपीई किट, N95 मास्क और सैनिटाइजर का उत्पादन किया गया। इससे प्रदेश में उपलब्धता बढ़ी एवं अन्य प्रदेशों में भी आपूर्ति की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान चीनी मिलों, ईंट भट्ठों और कोल्ड स्टोरेजों के माध्यम से श्रमिकों को रोजगार दिया गया। राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। देश में पहली बार कामगारों एवं श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए आयोग का गठन किया गया। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आत्मनिर्भर भारत योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से रोजगार की तुरंत आवश्यकता वाले कामगारों को विभिन्न कार्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए उत्तर प्रदेश के 31 जनपदों के चयन हेतु यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार। खुदी को आजमाया तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेकिंग बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ लगातार चर्चा के लिए मौजूद हैं नवीन कुमार सिंह। सर, जिस तरीके से जो लगातार आंकड़ा बढ़ता जा, आपने कहा कि इस बीच चुनाव नहीं होने चाहिए। हाल ही में गैंगस्टर विकास दुबे की हत्या हो गई एनकाउंटर में, जिसने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया था, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि जो यात्रा उसकी जो शुरुआत की गई थी, उसकी जो यात्रा थी वो ग्राम पंचायत से ही शुरू किया गया था, यानी कि जिस तरीके से ग्राम पंचायत में जो अपराधी की एंट्री हुई है उस पर लेकर आप क्या कहेंगे और इस पर कैसी रोक लग सकती है? नवीन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नवीन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माधव, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेन प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिंदर चौहान, अर्जुन रमन, रजनीश त्रिपाठी, के न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज, केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार, इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो हमारे साथ मौजूद हैं नवीन कुमार सिंह चर्चा करने के लिए। और नवीन जी, हाल ही में गैंगस्टर विकास दुबे की हत्या एनकाउंटर में हत्या कर दी गई, और जिसने 8 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया था, उसकी विकास जो यात्रा है वो ग्राम पंचायतों से शुरू हुई थी, इसको लेकर आप क्या कहिए? क्योंकि विकास की जो यात्रा थी वो ग्राम पंचायत से शुरू हुई थी और ग्राम पंचायत में लगातार ऐसे लोगों की एंट्री भी होती है, तो ये कैसे रोक सकती है? अब मैम, इसके लिए तो सरकारों को चाहिए कि एक ऐसी रूपरेखा बनाई जाए, पंचायत स्तर के चुनाव हो चाहे विधानसभा स्तर के चुनाव हो चाहे लोकसभा स्तर के चुनाव हो, चुनाव सुधार की जरूरत है और उसका शुरुआत पंचायत स्तर से की जा सकती है। उसके लिए कायदे से इस तरीके की गाइडलाइन इंप्लीमेंट की जाए और उसके लिए बाकायदे कमेटी बनाई जाए। उस कमेटी का जो नीतिगत सुझाव है, उस सुझाव के तहत उसको आगामी पंचायत चुनाव से उसको कंप्लायंस किया जा सकता है, अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो। हालांकि राजनेताओं की इच्छा शक्ति है नहीं, चूंकि उनको उन्हीं का व्यक्तिगत नुकसान हो जाएगा, तो इस पर बहुत जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं। बस अर्थ ये है कि जिस विकास दुबे की हत्या हुई और जिसने 8 पुलिसकर्मियों की शहादत ली, उसको पालने पोसने वाले तो यही राजनेता है, और यही राजनेता अपने दामन को बचाने के लिए उसको निर्मम तरीके से मार दिए, फेक हिट काउंटर करके मार दिए। ये अगर एसटीएफ, वो एसटीएफ थी जिस एसटीएफ ने आज के 25 साल पहले श्री प्रकाश शुक्ला को मारा था, तब हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, इतने तकनीकी नहीं थी, इतने हाई क्वालिटी की सारी चीजें वो नहीं थे, फिर भी उन्होंने ढूंढ करके उसको सफलता में ऑपरेशन किया था। परंतु आज इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी सारी सुविधाओं के होते हुए, इतने संचार माध्यम की सुविधाओं के होते हुए एक विकास दुबे को नहीं पकड़ सके, और एक होमगार्ड रूबी यादव ने पकड़ा, अरे शर्म लगनी चाहिए इनको, कितने बड़े मुलजिम को एक होमगार्ड के हाथों गिरफ्तार हुआ और उसके बाद इस तरीके के घटनाक्रम में। खैर ठीक है, वो बात की बात है, वो बहुत उच्च स्तर की बात है, हम लोगों के स्तर की लेवल की बात नहीं उस पर बहस करना। परंतु विकास दुबे ने जितने लोगों को अब तक मारा है, लगभग उसके ऊपर 17,302 के केस है, 11 अटेम्प्ट टू मर्डर हैं,
जिसमें से उसने तो 10 ब्राह्मणों की हत्या की, ये जो 8 हुए हैं इनके अलावा 10 ब्राह्मणों की हत्या की है। तो इस तरीके से संदिग्ध अगर जो इसमें 8 मरे हैं इसको भी जोड़ लिया जाए तो लगभग 14 ब्राह्मणों की हत्या उसने की है। गिन गिन के ब्राह्मणों को मारा है, वो ब्राह्मण समाज का कभी था नहीं, उसने ब्राह्मण समाज अपनों को मारा है, उसने अपने खून को मारा, अपने रिश्तेदारों को मारा, अपने बहनोई को मारा, अपने बहन को मारा, अपने भांजे को मारा है। किसको उसने बख्शा है? वह एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल पेशेंट था, वर्णपिचास था, उसको साइकोलॉजिकली बीमारी थी, मनोचिकित्सक की जरूरत थी। हम तो ये आग्रह करेंगे कि सबसे पहला आग्रह ये है कि अमर दुबे की नवविवाहिता पत्नी को तत्काल रिहा किया जाए, उसका कोई दोष नहीं है, और विकास दुबे की पत्नी और उसके बच्चे की काउंसलिंग कराई जाए, सरकार उनके पुनर्वास की व्यवस्था करे, ऐसा ना हो कि बच्चा फिर से विकास दुबे बनने की राह पर चल पड़े, उनकी मानसिक काउंसलिंग होनी चाहिए और उनको समाज में एक्सेप्टेबल बनाना चाहिए, स्वीकार होना चाहिए, ताकि जिससे वह दूसरी रास्ते की ओर मुखातिब न होकर के समाज में सरकार रूप से समाज की मुख्य धारा में रहे। उसके लिए एक सरकार को इस तरीके की नीति बनानी पड़ेगी कि कोई दूसरा विकास दुबे न तैयार। बिल्कुल आपने सही कहा, एक ऐसी नीति बनानी पड़ेगी जिस वजह से जो विकास तो वह दूसरा पैदा ना हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, और के न्यूज़ की तरफ से आपको एक और बार जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये हमारे साथ मौजूद थे नवीन कुमार सिंह, जिन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य किए लॉकडाउन में, जो कोरोना वायरस चल रहा है इसको लेकर उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद भी की, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं इन्होंने अपने प्रतापगढ़ को काफ़ी अच्छी सुविधाएं भी दी हैं और लगातार लोगों की मदद करते हुए भी यह आए हैं। तो इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।